अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबीसत किचन टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। आज हम बनाने वाले हैं, मैंने सामने मिर्चियां रख के खड़ी हुई हूँ। आप लोग सोचेंगे ये क्या इन्होंने मिर्चियां लेके खड़े हैं। इससे ही आज की हमारी रेसिपी हम बनाएंगे। आज की रेसिपी है रेड चिली सॉस। इसको हम घर में कैसे बनाएंगे, डिपिंग सॉस। आप इसको समोसे के साथ, किसी भी रेसिपी के साथ या किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसको डिपिंग सॉस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम चलिए इसको कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और रेसिपीज मेरी आपको पसंद आई, कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो ही मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे और भी हिम्मत आएगी। आप लोगों के सपोर्ट रहा तो ही मैं ये कर पाऊंगी। तो इसके लिए आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल बटन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं। आज मैंने 20 to 25 रेड चिलीज को, इसकी ऊपर की जो डंडी है इसको निकाल के मैंने लिया है। बीज के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो 100 ग्राम्स हो गए ये, 100 to 150 ग्राम्स होंगे ये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर करके इस चिलीज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए, हमने सारी मिर्चियों को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हमने एक बर्तन में पानी को बॉईल कर लिया है। इस वाटर को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ऐड करके हम इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए सोक होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे मिर्चियां जो है सोक हो चुके हैं। इसको हम एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे वाटर के साथ। वो जो हॉट वाटर हमने इसमें ऐड किया था उसी के साथ हम इसको मिक्सर जार में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद एक 10 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे इसमें हम, और एक ऑनियन ऐड करेंगे, और एक टमाटर रफली चॉप किया हुआ है इसको मैंने। अब हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, इसका अच्छे से प्यूरी बना लेंगे, बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे हम इसको। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, इस तरह से चम्मच की मदद से आप इसको स्ट्रेन कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से ये सारा स्ट्रेन करके इसमें निकाल लिया है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे इसका प्रोसेस देखेंगे। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। अब हम इसमें ये जो हमने स्ट्रेन करके रखा हुआ है ना, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से उसको इसमें हम ऐड कर देंगे, और जब हम इसको स्ट्रेन करते हैं तो बिना हाथ लगाए इसको करना चाहिए, नहीं तो ये जल खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, शुगर, और इसको धीरे धीरे इस तरह से हिलाएंगे। मीडियम फ्लेम मीडियम रख के इस तरह से हिलाएंगे इसको। इस तरह से इसको पकाएंगे हम। शुगर और सॉल्ट आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम टिक करेंगे। ये हमारा चिली सॉस जो है टिक हो रहा है। इस तरह से हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे
थोड़ा सा 2 स्पून लेमन जूस, अगर आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। देखिए अब हमारा चिली सॉस है ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारा रेड चिली सॉस अब जो है तैयार हो चुका है। अब ये गर्म है इसलिए मैंने बाउल में निकाला हुआ है। इसको बगैर हाथ लगाए ठंडा होने के बाद आप सूखे ग्लास के बॉटल में डाल के रखने से, फ्रिज में रखने से 15-20 दिन तक टिकेगा ये। और भी आपको इसकी लाइफ चाहिए तो आप बॉटल को स्टरलाइज करके उसमें डाल के रख सकते हैं। अगर आपको बॉटल को कैसा स्टरलाइज करना है, इसकी वीडियो चाहिए तो, रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, इसका मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगी। तो ये डिपिंग रेड चिली सॉस को आप समोसे के साथ, पकोड़े के साथ, हर एक के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप ट्राई करना और कमेंट में बताना कि रेसिपी कैसी थी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।